अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स में देखने जा रहे हैं कि क्या रिसर्च मौजूद है और वो हमें क्या बता रही है कि पेरेंट्स की रीडिंग स्ट्रेटजीज का ई बुक्स और प्रिंट बुक्स के साथ क्या ताल्लुक है। जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं कि प्रिंट बुक से पढ़ाना बेहतर है या ई बुक से पढ़ाना बेहतर है या उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, उसमें एक बहुत अहम फैक्टर इस चीज़ का है कि पेरेंट्स बुक को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं जहाँ पर जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो हम कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर को नहीं देखते। कॉन्टेक्स्ट में कौन मौजूद हैं, वालदैन मौजूद होते हैं या टीचर्स मौजूद होते हैं, अब वो किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसे किताबों को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेफिनेटली उसकी वजह से रिसर्च के रिजल्ट भी चेंज हो सकते हैं। उनका कंबाइन इफेक्ट होता है बच्चों की रीडिंग एबिलिटीज़ में। पेरेंट्स के बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों को इम्पेक्ट करते हैं कि वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इस कंबाइन रीडिंग में या नहीं। डेफिनेटली अगर वो इंजॉय नहीं कर रहे तो उनकी इंगेजमेंट भी कम होगी, अगर इंजॉयमेंट हाई है तो उनकी इंगेजमेंट भी रीडिंग में ज़्यादा होगी, चाहे वो प्रिंट में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो। किस किस्म के तरीके से पेरेंट्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को रीड आउट करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, और कौन सी लिटरेसी और टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब बच्चों के साथ रीडिंग कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जितने पेरेंट्स स्किलफुल होंगे उनके रिज़ल्ट कुछ और होंगे, और वो पेरेंट्स जो स्किलफुल नहीं होंगे उनके रिजल्ट या स्टडी आउटकम कुछ और आएंगे। पेरेंटल एजुकेशन का, उनकी जेंडर का, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का और उनके अपनी रीडिंग प्रेफरेंसेस और स्टाइल का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कि वो अपने बच्चों के साथ इन किताबों को लेके कैसे इंटरेक्ट होंगे। तो अब बुक के फीचर्स तो अपनी जगह हैं सो है, पर पेरेंटिंग के फीचर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब पेरेंटर्स के फोल्डिंग टेक्निक्स या जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डेफिनेटली बच्चे की ना सिर्फ इंगेजमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही, कौन सी इंगेजमेंट को जिसमें वो लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है कि ये जो वर्ड का मीनिंग बताया है ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको कैसे है समझना है, इसका क्या मायने बनता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, मैं इसे कैसे समझूँ। अब जितना अच्छा पेरेंट समझा सकता है और जितने इंक्लूसिव तरीके से समझा सकता है एक अच्छे इन्वायरमेंट को बनाते हुए, उतनी बेहतर तरीके से बच्चों की इंगेजमेंट होगी और डेफिनेटली वाइस वर्सा। इसके अलावा पेरेंट की अपनी लैंग्वेज लिटरेसी और टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं, डेफिनेटली बच्चे को वो उसी तरीके से हेल्प आउट करेगा, करके दिखाएगा या बता सकता है। और ओवरऑल हमारा जो इमोशनल इन्वायरमेंट होता है जब हम किताब पढ़े होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप कितने गुस्से में हैं, आप कितनी मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों की शरारतों को इन्जॉय कर रहे हैं या आप उनसे इरीटेट हो रहे हैं, या आप ऐसा इन्वायरमेंट कर रहे हैं कि बच्चे आपके साथ आएँ बैठें और आपकी बुक जो है आपके गोद में, चाहे वो ई बुक है या प्रिंट बुक है, वो आपके साथ उसके साथ खेलने को, रीड आउट करने को, इन्जॉय करने को, कह के मारने को तैयार हैं, या आपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जो हॉस्टाइल है और बच्चे वहाँ से भाग जाएं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्चुअल फैक्टर हैं जो स्टडीज़ में डिफरेंसेस ले आते हैं, उनके रिजल्ट में ले आते हैं। हमारे पास जो मोस्टली स्टडीज़ आती हैं उसमें क्या फाइंड आउट हुआ है पेरेंटल फैक्टर में, जब 2 से 5 साल तक के बच्चों के साथ पेरेंट रीडिंग में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, स्पेशली ई बुक्स के साथ, तो उनका जो मेजर फोकस होता है वो लिटरेसी स्किल डेवलप करने की जगह उनके बिहेवियर पे होता है। अब किस किस्म के बिहेवियर पे पेरेंट फोकस करते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि टेक्निकल फैक्टर्स पे, ना कि वो ये बताएं कि लैंग्वेज क्या है, मीनिंग क्या है, स्टोरी का कंटेंट क्या है, स्टोरी कैसे आगे चल रही है। सो पेरेंट्स ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इसको स्वाइप कैसे करना है, कौन सा गैजेट दबाना है, कौन सा बटन दबेगा, कौन सा हॉटस्पॉट क्या फंक्शन कर रहा है, और आईपैड को पकड़ना कैसे है या इसको गिरने से कैसे बचाना है, स्पेशली अगर वो ई बुक बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड हो और उसमें ढेर सारे इंटरेक्टिव टेक्निकल फीचर्स मौजूद हों। जितने फीचर्स कम मौजूद होते हैं, पेरेंट्स जो है वो बेहतर डायलॉग अपने बच्चों के साथ जो है उसको इंटरवीव करते हैं। हम इनको कहते हैं डायलॉजिक रीडिंग स्ट्रैटेजीज। मिसाल के तौर पर वो अच्छे सवाल करते हैं, वो अच्छी जगह पिन पॉइंट करते हैं, वो अच्छे किस्म के बच्चों को क्लूज और प्रॉम्प्ट्स देते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए और उनका डायलॉग ज़्यादा बेहतर होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स में बहुत ज़्यादा फीचर्स हों, लाइक म्यूज़िक हो, साउंड हो, उसमें अपनी रीडिंग का फीचर्स मौजूद हो, तो पेरेंट का इंटरेक्शन अपने बच्चों के इंटरेक्शन के साथ कोई बच्चों के साथ कोई इतना प्रॉमिसिंग नहीं रहता। मिसाल के तौर पर कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि जैसे कि हमारे पास सीडी रोम बुक्स हैं या वो बुक्स हैं जिनको हम कंसोल इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं, जिनमें मिनिमम फीचर हैं, जब बच्चे और पेरेंट्स उसको पढ़ते हैं तो उनका इंटरेक्शन बहुत बेहतर होता है बनिस्बत उन बुक्स के साथ जो कि बहुत इनरिच फीचर्स के साथ होती हैं और वो बुक ही सफिशेंट हो जाती है।